डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास है। मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे क्लास 8 संस्कृत में। आपका पांचवा चैप्टर है अध्याय 5 भव्या भागीरथी। इस चैप्टर का आप अध्ययन करेंगे। भागीरथी, देखिए भव्या की अगर बात की जाए, भव्य, भव्या का अर्थ है भव्य, बहुत विशाल, बहुत सुंदर। और भागीरथी किसे कहते हैं? भागीरथी अर्थात गंगा का पर्यायवाची है और नाम है। गंगा को बहुत सारे पर्यायवाची उपनामों से भी पुकारा जाता है, जाह्नवी, भागीरथी, सुरथज, मंदाकिनी, बहुत सारी इस प्रकार से इनके नाम हैं। तो भागीरथी गंगा नदी को कहा गया है और उसकी भव्यता, उसकी विशालता का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। तो आपको आपका चैप्टर स्क्रीन बोर्ड पे दिखता रहेगा और मैं उसका संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन अनुवाद करता रहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आपका अध्याय 5 भव्या भागीरथी। तो बच्चों आइए प्रारंभ करते हैं आपका चैप्टर। पहला श्लोक है, हिमाद्रि संभूता विहरसि तदंके हिममये ततो भूमि आता विचरसि सुहाता समतले पुनांसि तुम लोकान प्रहवसि समुद्रम प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तौ जलम। अर्थात हिमालय से निकली हुई, उसके हिममय गोद में विहार करती हुई, उसके बाद समतल भूमि पर आकर सुंदर हंसती हुई विचरण करती हो, तुम लोगों को पवित्र करती हुई सदैव समुद्र की ओर बहती हो, हे दिव्य गंगे, तुम्हारा जल हमें सुख देने वाला हो। तो इस प्रकार से आपके पहले श्लोक में गंगा के लिए व्यक्त किया गया है। दूसरा आपका श्लोक है, न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जात तव जलकर्णे नष्ट कलुष हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयत प्रयागस्तीर्थानाम अतुलिल तुननी अस्तव तटे। अर्थात हे भगवती, इस समय अज्ञात किस पुण्य का फल है तुम्हारे जल बिंदु से प्रिय देश में कलमश नष्ट हो गए। तुम्हारी महिमा को हरिद्वार तथा काशी के तट कहते हैं। प्रयाग जो तीर्थों का राजा है, तुम्हारा अतुलनीय तट है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भी आप अर्थ प्रकट कर सकते हैं। आपका तीसरा श्लोक है, जनानाम धातृत्वम सुमधुर फलानानि ददति विशालम सिंचति मधुमय जले भारत भूम अये शुभ्र गंगे विलसति तरंगे त्रिपथगे तवोत्संगे धन्या शिशव इव खेलंति मनुजा। इस प्रकार से तीसरा आपका श्लोक, इस श्लोक का अर्थ है, लोगों को धारण करती हुई सुमधुर फल अन्न को देती हुई भारत के विशाल क्षेत्र को मधुर जल से सिंचन करती हुई अरे शुभ गंगे विलसित तरंग वाली तीन मार्गों में से जाने वाली वे मनुष्य धन हैं जो बच्चों की तरह तुम्हारी गोद में खेलते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह तीसरा श्लोक भी समाप्त होता है। चौथा श्लोक है, पयस्थे कुल्याभिव्रजति बहुदूरं सुमधुरं ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिकाः वयं भूयो भूयो जगति तव कृते रूपकृताः। अर्थात तुम्हारा सुमधुर जल छोटी नहरों से बहुत दूर जाता है, उसके बाद क्षेत्र सिंचे जाते हैं तथा हरे भरे होते हैं। तुम्हारे गहरे जल में पर्यटक नौकाओं से सुख पाते हैं। इस संसार में तुम्हारे कृत तथा रूप हम बार बार देखे हैं। अर्थात तुम्हारे इस रूप को इस संसार में हम बार बार देखते हैं। तो इस प्रकार से आप चौथे श्लोक का भी अर्थ प्रकट कर सकते हैं। आपका पांचवा और इस पाठ का अंतिम श्लोक है, अये पूर्ण गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे निरम सुर नदी तदेवं सुखकरम न मे अन्या स्यादिहा तव तट बिहारे बिहरत।
अर्थात अरिपूर्ण प्रदान करने वाली गंगा, संसार में मेरा जन्म पुनः हो, पुनः शुभ भारत भूमि क्रीड़ा भूमि हो, सदैव गंगा नदी का जल सेवन करूं, सुख प्रदान करने वाली तुम्हारे विराट तट पर सदैव भ्रमण करता रहूं और मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर भव्या भागीरथी समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।